वा यथा न सकादर संतनूनाम् पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो अध्यारीरिखुतायुर्गन्तो अधतिरोरधतिरन्तरिक्षमदति माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अधते पञ्च जनाः अधतिर्जातमधतिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेवे यतः समीयते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु कस्तूरीतिलकं ललाट पटले द्वाभ्यस्थले शुभं नासाते वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। आइए अरविंद पांडे जी, नागेश तिवारी और रमेश पाठक, मुकेश भाई आकर के गुरुदेव जी का माल्यार्पण करें और उनसे आशीर्वाद लें और जो भक्त सामने खड़े उनसे ताली बजाइए। महाराज जी का स्वागत है, सभी लोग स्वागत ताली बजाइए और शशि रूप भाग्य लक्ष्मी विजय लक्ष्मी रेसिडेंसी में जो आपके समक्ष दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा मंगलमय रसमय भावमय संगीतमय चल रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के कथा का आनंद लें। अवध धाम से पधारे हुए परम पूज प्राता स्मरणीय आचार्य प्रवर श्री डॉक्टर रघुपत त्रिपाठी जी महाराज आपके समक्ष इस धर्म मंच पर उपस्थित हो गए और आप लोगों को अच्छे ढंग से रसमय भावमय संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के और कथा का आनंद आप लोग ले सकते हैं और जय पारस टीवी चैनल से जुड़े भक्तों को श्री राधे, जय श्री राधे। आप सब हमसे जुड़कर घर बैठे आप लोग कथा का आनंद लेकर के अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे, अक्षय पुण्य की भागी बनेंगे, क्योंकि भागवत में आया है भाग्य दयन जन्म समर्पित आप लोग आकर के आनंद ले। चलिए आराध्यम हरे आय रघुं हरे प्रजन रमे अस्तुत सवे रघुं सर्वग रघुं सचये आत्मसरे प्रजा सरे पशु सरे लोक सन्न भय सरे अग्निं प्रजा बहुरा मे करो तन्नम पयोरे तो अस्मा सुधात चंद्रवावन सोधात चो सूर्यो अजायत प्राण च मुखाय निर्जायत याकांताय देवाय कल्याणाय विधेशाय श्री वेंकट निवासाय श्री निवासाय मंगलम। आरती अति पावन पुराने की ज्ञान मान की
जगत हरि रसमयी भावमयी संगीतमयी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण करके अक्षय कुल के वागी बने और अपने मानव जीवन को धन्य बनाए।
श्री गणाधिपति नमः श्री सरस्वत्यै नमः चरणकमलेभ्यो नमः श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः नमः परमहंस सास्वादित चरण कमल चिन्नमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीवेदपुरुषाय लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथ यामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम् विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थ सिद्धै वागीशाद्याः सुमनसाः सर्वार्थानाम् उपक्रमी इयं नत्वा कृतकृत्यास्यो नमामि गजाननम् वन्दे त्वदीयसुरप्रार्थितपादपद्मम् हंसाधिरूढकरलोचनकालकञ्जा शुभ्राम्बरासलशास्त्रविचारदक्षा कांक्षै कृपा तव सदा भवदुःखरत्री या देवि सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यो अन्ता प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यान् सहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
नारायणं नमस्कृत्यनरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यं सैवासमुपासते शिवब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धेति प्रमाणपरवाहकर्तीति नैयायिका अरहन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मीति मीमांसका सोऽयं गुरुविदधातवाञ्छितफलं त्रैलोकयन्नाथो हरिः धेयं सदा परिभवघनमभीष्टदूहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् ृत्यार्तिहं कलतपालभवाद्विभूतम् वन्दी महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीगदाभात् पीताम्बरागरुडबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मकाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रय मानिवेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गैभ्यः जानकी जीवनं वन्दे मानवी प्राणवल्लभं उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः बोले अयोध्यानाथ भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा भवालय भक्तवान साकल्प तरु भगवान नंद नंदन मृदी नंदन मुरली अधर अधर सौलभ्य परिपूर्ण गोपी कांत दामोदर भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमा श्रीमद भागवत महापुराण सती सीता रसुईया पाला घोषा रुक्मी सत्यभामा उत्तरा वृंदा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा उपस्थित मंजुल बना माताएं बहने भगवान की पावन पीयूष बरसरी कथा सुधा रस का आनंद लेने आए सुधीय श्रोताओं के अंतर आत्मा में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को नमन वंदन करते हुए और इस पवित्र श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराने वाले समस्त आयोजक मंडल को और समस्त सहयोगियों को सहृदय धन्यवाद देते हुए उनके हृदय में भगवत भक्ति की अमल विमल कामना करते हुए इस पवित्र सत्संग संध्या का समारंभ करते हैं। आदरणीय भक्तों, ये दास आपसे नित्य निवेदन करता है, जीव को ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य कब प्राप्त होता है? तो बात आती है भागवत में, भाग्योदयेन बहुधम समर्पितेन सतसंगमं चलवते पुरुषौ यदा वै। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर कर्म कर्मांतर युग युगांतर के पुण्य संचित होते ही तब उस जीव के कणरंध्र में भागवत कथा प्रविष्ट करती है। आइए हम सब स्वर में स्वर मिलाकर तालियां लगाते हुए थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद भागवत कथा मंदाकिनी में प्रवेश करके
फिर आनंद लेते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे Yeah.
किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु आदरणीय श्रोताओं, कल योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हम लोग मना रहे थे। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं नंद भवन की तरफ। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज, पतित पावनी भगवती भास्वती करुणामयी मां गंगा का प्रवाह प्रवाहित है और उस गंगा के तट पर आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। भागवत में महायोगी दो लोग हैं, या तो श्री सुखदेव स्वामी और या भगवान श्री कृष्ण। और गंगा के तट की विलक्षणता देखिए, जो कथा बांच रहा है वो ब्रह्म रात है और जो कथा को श्रवण कर रहा है वो विष्णु रात है। एक ने मां के गर्भ में वेद को सुना और दूसरे ने मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। दोनों कितने विलक्षण हैं। बड़े विलक्षण है महाराज ये श्रोता वक्ता। नंद जी के यहां क्या हो रहा है? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भागवत का श्लोक देखना जरा। नंद स्वात्मज उत्पन्नी जात हिलादु महामना आहुई विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृतः। नंदस्वात्मज उत्पन्नी जात हिला दो महामना। पुत्र क्या है? भागवत जी कहती है, आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र को आत्मज कहा जाता है। पिता की दूसरी आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा भी होती है। नंदस्व आत्मज उत्पन्ने जात हिला दू महामना। सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, नंद जी के घर जो बेटा पैदा हुआ है, उस बेटे के जन्म लेने के कारण नंद जी महामना हो गए। इस संसार में महामना कौन होता है? इस संसार में महामना कौन है? तो कहा, जिसके यहां जिसका बेटा ब्रह्म बन करके आया हो, ब्रह्म जिसका बेटा बन करके आया हो, अगर वो महामना नहीं है तो फिर कौन है बताओ? आज नंद जी महामना हो गए। और जब बेटे का जन्म हुआ तो नंद जी ने क्या किया? कहा, आहुई विप्राण। उन्होंने ब्राह्मणों को अपने दरवाजे पर सबसे पहले बुलाया। और ऐसे ब्राह्मण नहीं बुलाए गए महाराज, ऐसे ब्राह्मण नहीं। कहा फिर? कहा, वेद ज्ञान। वह ब्राह्मण बुलाए गए जो वेद वेदांत की भाषा में निष्णात थे। जो वेद वेदांत और पुराणों की भाषा में जो पारंगत लोग थे, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। आहुई विप्राण वेद ज्ञान अस्नाता
सुचिर अलंकृता। उनको क्या किया नंद जी ने, बढ़िया बढ़िया वस्त्र और बढ़िया बढ़िया आभूषण दे करके ब्राह्मणों को सजा करके बैठाई महाराज। और ब्राह्मणों ने क्या किया तो कहा वातित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै। उन ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया और जात कर्म संस्कार कराया। ये देखो अद्भुत प्रसंग परीक्षित, जो स्वयं स्वस्तयन है उसके लिए स्वस्तिवाचन हो रहा है। लेकिन नहीं, नंद जी अपने बेटे के कल्याण के लिए ब्राह्मणों का पूजन, उनके द्वारा स्वस्तिवाचन, उनके द्वारा जात कर्म संस्कार सब कराते हैं। कारयामास विधिवन पितृदेवार्चनम तथा कारयामास विधिवत। नंद जी ने देव विधिवत देवताओं की आराधना और पितरों की आराधना, क्योंकि जिस वंश में कोई बेटा बेटी पैदा होता है तो उस वंश के पितरों को धन्यवाद दिया जाता है। पितर पितर लोक में बहुत सुखी होते हैं। और इधर क्या हो रहा है, सूत मागध बंदी जन गायक जन वही सब सौ मंगल गिरो विप्रा सूत मागध बंदिना। ब्राह्मण लोग बहुत मुक्त कंठ से आशीर्वाद देते हैं महाराज। अब ये आशीर्वाद जो शब्द है ना, ये दिया नहीं जाता है, ये तो कभी कभी अंतर पटल से निकल जाता है। सौ मंगल्य गिरु विप्रा सूतमागध बन्निना। गायका चवरुणे गुरु देवदुंद भयो मोह। और जो गायक कर है वो विधिवत गान कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दी जा रही है नंद जी को। बड़ा सुंदर माहौल है गोकुल का, आइए थोड़ा सा आनंद लेते हैं हम लोग। बाजत आनंद बधैया हो रामा गोकुल नगर श्यामल गौर
लाल दुलसन श्यामल गौर श्यामल गौर श्यामल गौर श्यामल गौर लाल दुलसन मणिकुंडल निष्ठकंठ चित्रांबरापति शिखाच्युत माल्य वरसा नंदालयं सबलवा व्रज तिर्विरेजुर व्यालूल कुंड पयोधर हार शोभा पूरी महाराज वृंदामय जुटी हुई है और भगवान का
भगवान भगवान के जन्म महोत्सव पर सब बधाई दे रहे हैं। बड़ी खुशी की घड़ी है। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी, जो स्वयं आनंद स्वरूप ब्रह्म है, उसके आ जाने से आनंद तो छाया ही है। हरिर्निवास आत्मगुणैर् रमा क्रीडाम्भुनृप। गोकुल के लोग आनंद की बंसी बजा रहे हैं और इधर नंद बाबा कंस को कर देते थे हर साल, तो कंस को कर देने के लिए वे गोकुल से चले आए नंद बाबा मथुरा। मथुरा में कंस को जाकर किया और उन्होंने वसुदेव जी से मुलाकात की। इधर कंस के यहां जश्न का माहौल था। तमामों टीकाकारों संतों का मत है तो महात्मा नाथ जी ने कहा, इतना जश्न आपके यहां क्यों मनाया जा रहा है महाराज? कहा, योग माया ने कहा था तुम्हारा मारने वाला काल ब्रज में पैदा हो चुका है और 84 कोस के जितने छोटे 6 महीने के बच्चे थे मैंने सबकी हत्या करवा दी। तो नारद जी ने कहा कि मैंने देखा है अभी नंद जी के यहां एक बालक जल्दी में पैदा हुआ है, नंदोत्सव मनाया जा रहा है। कंस के दरबार में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा, महाराज अगर एक बच्चा बचा है तो उसको जा करके मैं खत्म कर दूंगी, मार दूंगी। ध्यान देना शब्दों पर, यह पूतना है अविद्या। हमारे शास्त्रों में विद्या के 5 पर्व बताए गए हैं, ऐसे अविद्या के भी 5 पर्व ही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी, जब बहुत खुशी का माहौल होता है तो यह अविद्या आक्रमण करती है कहीं ना कहीं से। ये हमारा मानव जीवन है ना, इस जीवन में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक हो जाए तब तो हम नारायण हो जाएंगे। ये संसार ही अपूर्ण है, इसमें पूर्ण जानते हो कौन है धरती पर? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवास अवशिष्यते। सिर्फ और सिर्फ पूर्ण यहां ब्रह्म है, बाकी कुछ नहीं है। ये पूतना चलती है मथुरा से गोकुल की तरफ और भागवत में लिखा है कि थी तो वो राक्षसी लेकिन सिंगार उसने अपना बड़ा जबरदस्त किया। ताम के संबंध वितक्ष मल्लिकाम बृहन्नितम स्तन कृच्छ मध्यमाम सुवास संकंपित कर्ण भूषण तिशोलसत कुंतल मंडितानना। संसार में सुंदरता 2 प्रकार की होती है। एक तो सुंदरता वो है जिसको ईश्वर ने वास्तव में सुंदर बनाया ही है, और कुछ लोग जबरदस्ती तरीके से जो सुंदर बनते हैं वो चंद मिनट के लिए होते, वो सुंदरता टिकती नहीं है। बनाए तो बहुत तेज बहुत देर तक 1 घंटे, लेकिन कहीं ढंग से अगर पसीना हुआ तो सब बर्बाद हो गया। वो सुंदरता नहीं टिकती जो बनावटी हो, सुंदरता वही होनी चाहिए जो हो, जो प्रकृति प्रदत्त हो, जो गॉड गिफ्टेड हो। पूतना है राक्षसी लेकिन श्रृंगार करती है लक्ष्मी की तरह। मैंने तो सुना है पूतना श्रृंगार करके
बड़े विलक्षण भाव से मथुरा से गोकुल की तरफ आती है। इसने क्या किया, ये वहां गई जहां पर नंद महोत्सव मनाया जा रहा था। ब्रज मामाएं सब एकत्र थी बधाई देने के लिए यशोदा रानी के महल में नंद भवन में, और ये पूतना गई तो उन सब लोगों ने सोचा कि लग रहा है कि स्वर्ग से लक्ष्मी उतर आई है मेरे बच्चे को देखने के लिए। और ये पूतना चली गई यशोदा रानी के पास। शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना। विबुध्यताम विबुध्यताम बालकमारिका गृहम चरा चरात्मास निमीलिते चढ़ा। यशोदा रानी लाला को लिए बैठी है, और जब पूतना गई तो यशोदा ने समझा लक्ष्मी है, उठा करके मेरे लाला को पूतना के गोदी में दे दिया। और जब भगवान पूतना के गोदी में आए परीक्षित, तो भारत में लिखा है पूतना भगवान को देखना चाहती है, और भगवान ने क्या किया, चरा चरात्मास निमीलिते चढ़ा। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। ध्यान देना शब्दों पर, भगवान ने पूतना के तरफ देखा ही नहीं। संतों के इस पर संतों की तमाम टिप्पणियां हैं, तमाम उत्प्रेक्षाएं हैं। भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि प्रीतिर नयन योगतः, प्रेम पैदा कहां से होता है तो कहां आंखों से होता है। भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसके ऊपर अपनी दृष्टि डाल दूं तो ये अभी मेरे प्रेम में पागल हो जाएगी, जो करने आई है ये फिर कर नहीं पाएगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। और दूसरा कारण यह है, भगवान के आंखों में है सूर्य और चंद्रमा, उन्होंने कहा अगर मेरी दृष्टि पड़ गई पूतना पर तब इसको ज्ञान पैदा हो जाएगा, बेचारी ये जो करने आई है फिर नहीं कर पाएगी, इसलिए नेत्र को बंद कर लिया। तीसरा कारण यह है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस योगींद्र मुनींद्र यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि लगाते लगाते मर जाते हैं, और उनको मेरा तदाकार नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है। और इसने अपने जीवन में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था कि मुझे अपनी गोदी में ले ली, उसके प्रारब्ध को देखने के लिए भगवान नेत्र बंद कर लिए कि इसने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था। अगला कारण यह है भगवान के नेत्र बंद करने का, ये जहर पिलाने मुझे आई है। पूतना ने श्रृंगार तो अपना बड़े ढंग से किया, लेकिन अपने स्तन में लगा लिया था जहर कि मैं बालक को दूध पिलाऊंगी, ये जहर उसके मुख में चला जाएगा, मर जाएगा। ध्यान देना, बाहर से तो सुंदरता इतनी अच्छी है, लेकिन अंदर क्या भरा है, विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने का कोई आदमी कलसा बनवा ले और उसमें जहर घोल करके रख दे, कलसा सोने का हो। वो सुंदरता किस काम की जो बाहर से बहुत सुंदर हो और दिल के बड़े काले लोग हो, बेकार है ऐसे सुंदरता को। ये पूतना अविद्या है महाराज। भगवान ने सोचा अगर इसको मैं सदगति दे दूंगा, जहर पिलाने पर अगर मुक्त कर दूंगा तो दूध पिलाने वाली यशोदा रानी को मैं क्या दूंगा, इस चिंतन में फंस करके भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर दिया। भागवत जी का स्तोत्र देखना, विबुध्यताम बालकमारिका गृहम चरा चरात्मास निमीलिते क्षणः। फिलहाल अब जो भी कारण हो, ठाकुर जी जाने, पूतना ने गोविंद को गोद में लिया और आंचल से लिया ओढ़ा, और बच्चों की आदत होती है जब मां के स्तन का पान करते हैं तो प्रायः हाथ से पकड़ लेते हैं। भगवान ने पूतना के स्तन पर हाथ रखा, दूध पिलाने के लिए पूतना तैयार हुई। भगवान ने हाथ कैसे रखा, जरा भागवत जी का श्लोक देखना,
गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत् गाढ़ं कराभ्याम। भगवान ने पुत्रा के स्तन को इस तरह से पकड़ा कि दूध नहीं लग रहा है कि उसके प्राण पीने जा रहे हैं, इतने तेज से पकड़ा और वो चिल्लाई झनक करके चिल्लाई मुझे छोड़ो। जब पूतना चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ो, तो भगवान ने धीरे से पूतना से कहा कि पूतना मौसी, हम लोग जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और धोखे से अगर पकड़ लिया तो छोड़ना तो मेरे संविधान में है ही नहीं। वो चिल्ला रही है छोड़ दो, भगवान कह रहे मौसी परेशान मत हो, मैं छोड़ नहीं सकता, पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लिया तो फिर छोड़ने का कोई सवाल नहीं। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वो बेचारी धरती पर गिरी और मर गई। भागवत में तो विस्तार है कि 18 किलोमीटर त्रिकब्यूत पेड़ पौधे टूट गए महाराज। और उधर नंद जी महाराज जब लौट करके आए तो सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के पुतना के शरीर को काट काट करके उसके बाद उसकी अंत्येष्टि की। पुतना का भगवान ने मोक्ष किया और महारानी यशोदा अपने लाला की रक्षा के लिए भगवान को पुतना के ऊपर से उठा करके लाई, गौ के मूत्र में स्नान करा करके स्तुतिवाचन करा करके बिचारी अपने लाला की मंगल कामना करती है। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो सुनता है, इसके सुनने का फल जानते हो? गोविंदे लभते रतिम, भगवान के चरणों में उसकी श्रद्धा बढ़ती है। आइए हम लोग भगवान नाम स्मरण करें, उसके बाद चलते हैं भगवान की अब मधुर लीलाओं की तरफ। गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला।
भगवान अपने 6 दिन की उम्र में पूतना का संहार कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी, श्री बसदेव जी महाराज ने गर्ग जी से निवेदन किया कि आप नंद जी के यहां चले जाइए। महाराज, मेरे वंश में पुत्र पैदा हुआ था, मैं नंद जी के यहां छोड़ आया था उसको। उस बच्चे का आप नामकरण संस्कार करवा दीजिए। गर्ग जी महाराज चल करके आते हैं नंद जी के यहां, और नंद जी ने देखा गर्ग जी दरवाजे पर आए हैं, उठ करके बड़े ढंग से उनका आदर सत्कार किया और कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे हाथ दो बेटों का जन्म हुआ है, एक यशोदा रानी के और एक रोहिणी से, जो वसुदेव जी की पत्नी हमारे यहां रहती है। इन दो बच्चों का आप नामकरण संस्कार करवा दीजिए। नंद जी ने कहा करवा तो देंगे, लेकिन बहुत बड़ा फंक्शन मत करना, अगर कंस को पता लगा तो दिक्कत है। गर्ग जी महाराज नामकरण संस्कार कराने के लिए बैठे, और एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपके घर में जब कोई नवजात बेटा बेटी पैदा हो, उसका नाम बिना किसी संत विद्वान के परामर्श की मत रखा करो, और अगर कोई नहीं मिलता है, नाम रखना ही पड़ा, तो कम से कम ऐसा नाम रखो जो परमात्मा के नाम से मिलता जुलता हो। ऐसा नाम न रख दो जिसका कोई अर्थ ही न हो, जो अमर कोश में ही ढूंढने पर न मिले, उसका कोई मतलब नहीं। गर्ग जी महाराज नामकरण कराने के लिए बैठे, उन्होंने कहा नंद जी से, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। महाराज, ये जो रोहिणी का बेटा है ना, इसका नाम होगा राम, लेकिन बलाधिक्याद, इसमें बल की अधिकता ज्यादा रहेगी, इसलिए इसको लोग बलराम कहेंगे। और उनकी निगाहें जब भगवान पर पड़ी ना, तो गर्ग जी तो त्रिकालज्ञ हैं, वो सब जानते हैं। भगवान का दर्शन गृहस्थों को पहले होता है, विरक्तों को बाद में होता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि गृहस्थ की निगाहें पहचान नहीं पाती है कि ये ईश्वर है, जबकि विरक्त की निगाहें तुरंत पहचान जाती है। गर्ग जी ने जब भगवान को देखा तो कहते हैं, महाराज आसन वर्ण त्रयोशिरस्य गृहणीतो अनियुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। नंद जी, ये तो कई बार धरती पर आ चुके हैं, लेकिन अब के बार ये आए हैं काले रंग में, इसलिए इसका इनका नाम होगा कृष्ण। इतना कह करके गर्ग जी भाव विह्वल हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं इनका नाम नहीं रख पाऊंगा। कहा क्यों? तो कहते हैं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यति बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते
गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनु जना। महाराज इनका इतना नाम होगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। और चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ जी के यहां जब गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण राम जी का कराए,